अली ब्रा, आप जामिया वर्ल्ड देख रहे हैं। जामिया वर्ल्ड इस वक्त मौजूद है बिहार के चंपारण माना टाणा में। इसी बीच आई हुई है सबसे जबरदस्त एक्टिविस्ट और खास तौर पर जो दिल्ली में एनआरसी से एनपीआर के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उसमें सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाली कविता कृष्णमूर्ति साहिबा, वेलकम है आपका चंपारण में, हमारी धरती में। क्या कहना चाहती है, जिस तरह से आप देख रही है बिहार में जो इलेक्शन है पूरी तरह से जन आंदोलन बन चुका है? बिल्कुल, मैं मेरी पार्टी भाकपा माले की तरफ से मैं पूरे पिछले महीने से ही मैं प्रचार में लगी हूँ और ये दिख रहा है कि जो एक तरह से जो उभार दिख रहा था महीना भर पहले वो अभी आंधी बन गई है और बदलाव के लिए आंधी है और लोग एकदम मन बना लिए हैं कि इस बार बदलना है। रोजगार के सवाल को, लोगों के अधिकारों के सवाल को केंद्र में लाना है और जो बांटने वाले सवाल हैं, नफरत वाले सवाल हैं, उनको बटाने हैं और लोगों के अधिकारों को एकदम केंद्र में लाना है। इसी बीच आप खुद प्रोफेसर मतलब कि एक्टिविस्ट हैं और खासतौर पर दिल्ली में जो एनआरसी का हो रहा था आंदोलन उसमें बच्चों की सारी, सरकार पढ़े लिखे से क्यों डर रही है? युवा पढ़ लिख कर रोजगार मांगते हैं। अभी तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सरकारी नौकरियां 10 लाख देंगे, जबकि एनडीए उनका मतलब हंसी उड़ा रही थी, लेकिन उसी बाद मजबूरन वो भी कह रहे हैं कि हम आपको रोजगार देंगे 19 लाख मखाना और क्या होता है और सब मतलब घरेलू मतलब रोजगार देने के लिए, जबकि लोगों को चाहिए सरकारी नौकरी। देखिए, बेसिकली ये सरकार जो है ये सवाल पूछने वालों से डर, उसमें जाहिर सी बात है कि पढ़े लिखे लोग भी होंगे, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी होंगे, लेकिन कुल मिलाकर के वो सवाल पूछने वालों से डरती है। वो डरती है कि लोग उनसे आंख से आंख मिलाकर के कहेंगे कि हमने आपको चुना लेकिन आप सही काम नहीं कर रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, अब आप जवाब दो। तो जब सवाल पूछने वाले सभी को वो कोशिश कर रही है कि वो उनको कुछ देश विरोधी बता, सरकार विरोधी हो तो देश विरोधी बता दे रहे हैं। तो इसमें रोजगार का जहां तक सवाल है तो देखिए, सरकारी रोजगार में जो पद खाली है उनको आप क्यों नहीं भरेंगे? वो पद नहीं भरने से तो काम भी तो रुक रहा है ना सरकार का, ये तो सीधी बात है कि वो पद तो भरने चाहिए। दूसरा ये कि उसके अलावा जो तुरंत हर हाथ को काम देने के लिए मनरेगा में भी काम के दिन बढ़ाने के लिए और शहरी रोजगार योजना शुरू करना भी उतना ही जरूरी है, और उसके साथ साथ में जब आप इंडस्ट्री शुरू करेंगे बिहार में तो बिहार में ही एक तरह से आप नए रोजगार का भी सृजन कर पाएंगे। ये सारे काम करना जरूरी है, ये सारे काम महागठबंधन। एनडीए खासतौर पर बीजेपी कहती है हम राम राज्य लाएंगे, राम राज्य मर्यादा पुरुषोत्तम यानी राम राज्य, जिस तरह से यूपी में देखी जा रहे हैं कहीं ना कहीं बिहार में जो एनडीए की सरकार है और जो कि मुजफ्फरपुर में बालिका गिरी कांड हुआ, सबको मालूम है कि वहाँ के जो मंत्री साहिबा थी उनको फिर से टिकट जीतने दिया और फिर से उनको नेता बनाने की कोशिश कर रही है। ओवरऑल मतलब महिलाओं के लेकर किस तरह से उदासीनता दिखाती है मतलब एनडीए? ये राम राज्य वगैरह जो बोलते हैं उनका राम राज्य से आम व्यक्ति क्या समझता है? वो समझता है कि न्याय का राज्य है कि नहीं, लेकिन ये न्याय का राज्य तो ये कतई चाहते नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक तरह से ये योगी राज जो है ये पूरी तरह से बिना कानून का राज है। योगी का या तो अपनी हिंदू युवा वाहिनी चलती है या खुद पुलिस को उन्होंने अपनी वाहिनी बना दी है। वहाँ पर बलात्कार सरेआम हो रहा है, बलात्कार होने के बाद में दलित की बेटी को बीच रात में उसके शरीर को जला देने का काम, पेट्रोल छिड़क करके जला देने का काम कर रही है पुलिस वाले, तो ये तो साफ नजर आ रहा है। और इसमें देखिए वो कर क्या रहे हैं कि बचाव में बलात्कारी को तो सजा नहीं दे रहे बल्कि अपने पसंद के बलात्कारियों के बचाव में खड़े हैं, लेकिन उल्टा जो मर्जी से लोग दोस्ती कर रहे हैं। तो अभी अभी जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया है कि लव जिहाद करोगे तो आपका राम नाम सत्य करा देंगे, यानी आप कह रहे हैं कि अगर आप मुस्लिम हैं, किसी हिंदू से आपकी आपका प्यार होता है तो हम आपकी हत्या करवाएंगे। ये सीधा कोई एक तरह से सीधा धमकी है चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर की तरफ से ये हत्याएं करवाने की कोशिश। लास्ट में आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से जामिया हो, जेएनयू हो, एमयू हो, लगातार छात्रों को उठा कर लेके जा रही है दिल्ली पुलिस और यूएपीए लगा दी, अरे खुद मुझे भी एक दिन के लिए ले गई, मोबाइल रखी हुई है, क्या कहना चाहिए सरकार स्पेशली बीजेपी सरकार स्टूडेंट्स से, खासतौर पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से क्यों डरी हुई? देखिए, ये छात्रों से डरती है क्योंकि छात्र सवाल कर रहे हैं उनसे और छात्र जो है सबसे बढ़िया तरीके से लड़े हैं इस सरकार से, जाहिर सी बात है, इसलिए वो ये कर रहे हैं। और उमर खालिद से लेकर के सफूरा जरगर से लेकर के नताशा और देवांगना जैसी महिला आंदोलन की युवा छात्रों से लेकर के इतने सारे लोगों को लगातार जेलों में डाल रही है। अब आपके बिहार के एक बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अपूर्वानंद, उनका भी नाम वो मास्टर माइंड कह रही है उनको कि उन्होंने दंगा करवाया, पता नहीं क्या क्या करवाया। और इसी बीच में वो और भी लोगों को अन्य अन्य सवालों पर, कोई किसी को कश्मीर के बहाने, किसी को दिल्ली दंगों के बहाने, किसी को भीमा कोरेगांव के बहाने, तो अलग अलग बहाने तलाश रही है और अपने से सवाल करने वाले लोगों को वो गिरफ्तार कर रही है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम लोगों को लोगों के बीच
में समझाने की जरूरत है। मैं एक मिनट लेकर के इस बात को कहूंगी कि मुंगेर में जिस तरह से फायरिंग हुई, ठीक, वो तो दुर्गा के भक्तों पे हुआ। अब मुंगेर में जो पुलिस फायरिंग हुई उसमें पुलिस ने गलत किया, पुलिस तो वही बहाने दे रही है उस फायरिंग के लिए जो वो कश्मीर में देती है, जो वो कहीं भी देती है कि भाई लोगों ने पथराव चलाया, इसने अपनी गोली चलाई। इसके खिलाफ बोलने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता होते हैं, छात्र होते हैं, और ऐसे ही लोगों की देश विरोधी बताने की कोशिश। मैम, एक तरह से जो स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो विश्व गुरु भारत कैसे बनेगा? सिर्फ वो क्या होता है ना, वो गोबर से और मूत्र से वो चाय बनाने का से ही बन सकता है क्या विश्व भारत? नहीं, मैं तो बिल्कुल सोबर तरीके से इसका जवाब दूंगी कि देखिए, विश्व गुरु वगैरह की बात तो दूर की बात है। आपके देश को अगर सचमुच में अपने पैरों पे खड़े होना है, उसके आगे वाली पीढ़ी को आगे की तरफ रख करके चलना है, तब आपके युवाओं पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। आप जो है पीछे की तरफ चीजों को खींचेंगे, लोगों के अपने मति को मारने की कोशिश करेंगे, सवाल सोचोगे भी तो फिर आपको हम जेल में डाल देंगे ये कहेंगे, तो इससे देश की तरक्की नहीं है। एक बात लास्ट, आप सत्याग्रह भूमि आई हैं, गांधी जी का सत्याग्रह भूमि जो कि सत्य के लिए आंदोलन किए थे, खासतौर पर किसानों के लिए, चंपारण में आई हुई, क्या कितना आपको इम्पावर करता है? और इस वक्त गांधी आइडियोलॉजी है और कहीं ना कहीं कम्युनल आइडियोलॉजी चल रही है देश में। चंपारण में तो मैं पहले भी आई हूँ और जब भी मैं आती हूँ तो ये आंदोलन की धरती है, किसानों के आंदोलन की धरती है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की धरती, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर के। और गोडसे की जो विचारधारा है जिन्होंने गांधी की हत्या की, उसके खिलाफ लड़ना जरूरी है। फिलहाल वो सत्ता में सत्ता से हटाना जरूरी है और गांधी जी भगत सिंह अम्बेडकर इनके विचारधारा पर चलने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ जबरदस्त एक्टिविस्ट जो कि स्पेशली एनआरसी सीएनपीआर के खिलाफ जो मोर्चा शामिल हुई थी दिल्ली में, और उनसे मैं खुशी तौर पर कविता कृष्णमूर्ति से बाद में किया, बहरहाल कविता कृष्ण, बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में। हम तस्लीम।